नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मेरे सेन भारती, आज हम बात करेंगे बालू खनन को लेकर। प्रदेश के 8 जिलों में 150 बालू घाटों से अगले सप्ताह से खनन का कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि खनिज निकास निगम के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, लखीसराय और जमुई जिले की बालू नीलामी की प्रक्रिया 4 दिसंबर से पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अब बस कुछ कागजी मामलों के निपटाने के बाद से बालू खनन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाएगी, यानी कि बालू खनन का जो कार्य है वह शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि बालू की कीमतों में वृद्धि भी हो सकती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो खनिज विकास निगम को नीलामी प्रक्रिया के बाद बालू के ठेकेदारों से खनन का करार कराना होता है। इसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के CTO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट प्राप्त करना होता है। फिलहाल CTO प्राप्त नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि CTO मिलते ही नदियों से खनन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन बालू घाटों के लिए पूर्व से ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। खनन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8 जिलों में खनन का काम शुरू होने के पूर्व बालू के दाम नए सिरे से निर्धारित किए जाएंगे। इस साल के प्रारंभ में जिलों में बालू की उपलब्धता के आधार पर 4400 से 4900 रुपये प्रति CFT बालू के दाम निर्धारित किए गए थे, जिसमें अब कुछ वृद्धि संभावित है। दाम कितने बढ़ाए जाएंगे इस पर अंतिम फैसला होना भी बाकी है। हालांकि खनन एवं भूतत्व विभाग का मत है कि आवश्यक नहीं बालू की दाम बढ़ाया ही जाए। उपलब्धता बढ़ने पर बालू के दाम और बिक्री पे भी जो है वह इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बालू की बिक्री जारी रखी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में अब तक 8 जिलों में बालू खनन हो रहा था। ये जिले हैं नवादा, अरवल, बांका, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर। इन जिलों में सरकार ने 50% अतिरिक्त शुल्क देकर पुराने बंदोबस्ती को बालू खनन की अनुमति दी गई है। इन जिलों के बाद अब नए खनन जिलों में बालू खनन होने से राज्य के नागरिकों को बालू के संकट से निजात मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि अब जो है बालू खनन का कार्य जो है 8 जिलों में शुरू हो गया है, यानी कि 150 ऐसे घाट हैं जहां पे बालू खनन का काम रोक लगा दिया गया था। NGT की टीम ने जो है बालू खनन पे रोक लगाई थी। उसके बाद बिहार सरकार कोर्ट में गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि नहीं, बिहार सरकार का यह एक राजस्व का मामला है और यहां पे जो है आप इसमें जल्दीबाजी करें। इसके बाद NGT और एक तरह से कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से फिर यहां एक बार फिर से नया टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई और NGT से जो है इस पर फिर मान्यता मिली और अब जो है यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि बालू खनन की प्रक्रिया जो है अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। थोड़े बहुत कागजी मामले हैं जो कि करारनामा जो है चल रहा है बालू ठेकेदारों और सरकार के बीच में। यह करारनामा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद से जो है बालू की प्रक्रिया यानी कि खनन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाएगी। हालांकि यह भी कहा गया है कि अब जो है बालू की खनन अगर तेजी से होती है तो उसमें जो है थोड़ी सी वृद्धि बालू में हो सकता है। बालू खनन को लेकर जो अब नए अपडेट सामने आए हैं उसमें यही है कि बालू में जो है थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, यानी कि उसके रेट में वृद्धि हो सकती है, लेकिन बालू खनन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।